लगातार मिल रही शिकायतों का सच जानने के लिए मंडलायुक्त और जिलाधिकारी सुबह ही जिला अस्पताल पहुंच गए। यहां खामियों की खान देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने व्यवस्थाएं ढर्रे पर लाने की सख्त हिदायत दी, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए चेताया। आला अधिकारियों के छापों से जिला अस्पताल में खलबली मची रही। बीते कुछ दिनों से जिला अस्पताल आगरा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे। आए दिन जिला अस्पताल आगरा की अव्यवस्थाओं की खबरें टीवी न्यूज चैनल और अखबारों में प्रकाशित हो रही थी। कभी वेंटिलेटर, कभी ब्लड जांच, कभी दवाइयों की कमी, तो कभी गंदगी को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित हो रही थी। मामले का संज्ञान जब शासन स्तर पर लिया गया तो आगरा ही नहीं अन्य शहरों के जिला अस्पतालों में गरीब मरीज को बेहतर से बेहतर उपचार मिले, इसके लिए मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी स्तर पर व्यवस्थाओं के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कड़ी में गुरुवार को सुबह 11 बजे मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी जिला अस्पताल आगरा पहुँची, जहाँ उन्होंने जिलाधिकारी आगरा भानुचंद्र गोस्वामी, एडी हेल्थ डॉक्टर चंद्रशेखर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा अरुण श्रीवास्तव, प्रमुख अधीक्षक जिला अस्पताल आगरा राजेंद्र अरोड़ा के साथ पूरे जिला अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने वार्डों के निरीक्षण के दौरान मरीजों से भी बात की। इस दौरान कुछ मरीजों ने जिला अस्पताल में बाहर की दवाई लिखने का आरोप लगाया। थोड़ा जो पीछे फ्रेश होने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, खुजली वगैरह होती थी, तो उसी के लिए जनरल होती थी, उसके लिए दवा लेने आए थे, तो पूरी दवा नहीं मिली काउंटर पे। ऊपर भी लगाया 112 में भी, 200 में भी, और जो 22 नंबर उसमें भी गए, दवाई भी नहीं है, और बगल में भी गए, वहाँ पे भी दवा नहीं है। तो बोले बाहर से लेनी पड़ेगी दवा, क्योंकि यहाँ की दवा बाहर से क्यों ले, यहाँ की दवा तो यहीं से लेंगे, बाहर की दवा तो बाहर से ले ली जाएगी। मैम ने बोला आप प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए, सोल्यूशन दिए इसका, मैम ने ये बोला। और सीसी दे दिए खाली, सीसी को, और जो पर्ची में थी वो दवाइयाँ काट दी हैं, तो दवाइयों की काटी, क्योंकि बाद में भी तो लेनी है हमें भी, बाहर पर्ची से दवाइयाँ काटनी सारी, यही थी, यही प्रॉब्लम थी। और बाकी दवाइयाँ बाहर वाली बोले बाहर जाओ दवाइयाँ लेने सारे, 3 बार चक्कर ला लिया, और बाहर पहले भी हर बार भी ऐसा ही होता, 3-4 बार चक्कर ला गए हम, हर बार ही ऐसा होता है, जो बाहर की बोल देते हैं बाहर से ही लो दवाइयाँ। मैं जब दवाई लेने गया था तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि दवाई उनने काट दी, और ये बोलना कि ये दवाई यहाँ पे है नहीं है, ये बाहर मिलेगी। अच्छा, जब जब आते हैं दवाई पूरी नहीं मिलती, ये पर्ची बना के देते हैं, अंदर दवाई मिलती है, इसका मतलब ये होता है पर्ची सारी अंदर मिलेगी, ये वाली पर्ची, और ये वाली पर्ची ये बाहर की होती है, बाहर लेकर देते हो। लेकिन अभी भी ये बोला जा रहा है कि ये दवाई जो है, क्योंकि ये उस वाली दवाई है बाहर से मिलेंगी, अभी भी घुमाया जा रहा है, मैम के सामने घुमाया गया है। अच्छा, लेकिन रियलिटी ये है कि ये दवाई अंदर ही मिलती है, अंदर ही मिलती है, मैम के सामने घुमाया जा रहा है कि ये सारी दवाई अंदर मिलती है, ये पर्ची है छोटी वाली है। अच्छा, और जैसे हम वहाँ पर गए तो उन्होंने मना कर दी कि ये दवाई है नहीं है, ये भी सारी रिप्लेसमेंट ही मिली है कोई दवाई। अच्छा, ये तीनों दवाई गायब है, क्योंकि 4 टेबलेट है, लेकिन मिली एक ही टेबलेट है। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने दवा के स्टोर में जाकर उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्टोर इंचार्ज से नजदीकी एक्सपायरी दवाइयों की भी जानकारी ली। यही नहीं, दवाइयों की उपलब्धता से जुड़े रजिस्टर चेक किए। जो यहाँ के वार्ड्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, मेडिसिन का, टेस्ट का, ये सारी चीज़ें अभी देखी गई हैं। लगभग स्थिति संतोषजनक है। 2-3 चीज़ें जो इश्यूज लग रही हैं, एक तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसमें मेंटेनेंस का भी अभाव दिख रहा है, और काफ़ी क्योंकि पुरानी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, एक तो उसको देखना पड़ेगा। दूसरा, सर्जरीज बहुत कम हो रही हैं, यद्यपि सर्जन्स हैं लेकिन कुछ इश्यूज हैं उसमें, तो सर्जरीज को बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरा, कुछ मेडिसिन्स में भी जो हॉस्पिटल से नहीं मिल रही हैं लेकिन जन औषधि केंद्र के लिए प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, उसको भी देखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स वही लिखी जाएं जो हॉस्पिटल में हो। बाकी अभी स्टॉक्स वगैरह चेक कर रहे हैं। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने इमरजेंसी वार्ड और पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया। यहाँ भी उन्होंने मरीजों से उनका हालचाल जाना और अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अब स्टाफ में लगातार गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन किया जाता है, और यहाँ खैर उतनी स्टाफ की कमी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो लगभग सभी विंग्स में हॉस्पिटल्स हैं, आपकी
टेस्टिंग सेटअप में भी मशीनरी है या डॉक्टर्स हैं वो सब हैं और टेस्ट भी लगातार समय से हो रहे हैं, तो ऐसी कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर का ही अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको टेकअप किया जाएगा। और बाकी एक्सपायर्ड मेडिसिन का भी स्टॉक वो दिखा नहीं पाए हैं, देखेंगे उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। एक्सरे की मशीन आज तो एक खराब पाई गई है, अब उसको चेक कराते हैं कब से खराब है, अभी वो डिटेल नहीं निकला है, बाकी मशीन ऑपरेशनल थी। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने बताया कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग काफी पुरानी है, जिस पर काम होना बेहद आवश्यक है, उसके लिए पत्राचार चल रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रमुख को निर्देशित किया कि वह दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मरीज को जिला अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध कराएं। जैसा मैंने कहा कि आज एक दो केसेस आए हैं जिसमें यहाँ की नहीं है, उन्होंने जन औषधि केंद्र की रिकमेंड की है, तो उसको ज़रा विस्तृत तरीके से जाँच कराएंगे। और डायरेक्शन तो अभी ओरल तो दे ही दिया गया है कि कोई भी मेडिसिन बाहर की ना लिखी जाए, बाकी कौन सी दवाई क्यों बाहर की प्रिस्क्राइब की है उसकी जांच कराएंगे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने माना कि सर्जन की उपलब्धता के बाद भी जिला अस्पताल आगरा में सर्जरी ज्यादा नहीं हो रही है। देखिए, शासन स्तर पर चिकित्सालयों के निरीक्षण के लिए लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निर्देशित किया गया है, सभी चिकित्सालयों को उच्च गुणवत्ता के अनुसार सेवाएँ देने के लिए हम लोग को आदेशित किया गया है। उसके क्रम में आज आयुक्त महोदय द्वारा इसमें आज जिला पुरुष चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी विभागों लगभग सभी विभागों में जाकर उनके गहनता से उनका निरीक्षण किया और हम लोग सभी को अपने निर्देश दिए हैं, और जो भी निर्देश उनके द्वारा आगे प्राप्त होंगे उसको हम लोग 100% उसका हम लोग अनुसरण करेंगे। साथ में जो भी हमारी सेवाएँ हैं, चाहे वो लैब की हों, चाहे OPD हो, सर्जरी हो, इन सब के द्वारा जो भी निर्देश उनके द्वारा प्राप्त होंगे उनको हम गुणात्मक सुधार कर और लोगों की, आगरा की जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में स्वास्थ्य सेवाओं को लगाएंगे। देखिए, मैडम ने दौरा किया आज, उन्होंने कम से कम 15 मरीजों से जो लाइन में लगे हुए थे दवाई लेने वाले, उन सब की पर्ची देखी थी, वो सब सरकारी दवाई लिखी हुई थी, किसी भी एक भी पर्ची में बाहर की दवाई नहीं थी। अब सिर्फ एक व्यक्ति ने शिकायत करी कि ये मुझे बाहर की दवाई लिखी गई है, और जब पर्चा देखा गया तो उसमें लिक्विड पैराफिन लिखा हुआ था, लिक्विड पैराफिन वो भी उसमें 22 नंबर कमरा लिखा हुआ था, साथ में 22 नंबर कमरे से लें, 22 नंबर कमरा जो है हमारा जन औषधि केंद्र है, जो कि सरकार द्वारा ही संचालित के निर्देश में ही संचालित है, इसलिए वो बाहर की दवाई नहीं कहलाती है। पहले भी जिला अस्पताल आगरा में शासन स्तर से अधिकारियों के निरीक्षण होते रहे हैं, जिनका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार उम्मीद है कि मंडलायुक्त के निरीक्षण के बाद व्यवस्था में सुधार जरूर देखने को मिलेगा और मरीजों को जिला अस्पताल आगरा में बेहतर उपचार के साथ सभी दवाइयों की उपलब्धता भी मिलेगी। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।